पन्ना के पवई पुलिस को अवैध शराब के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 62 लीटर शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी ने बताया कि मुखबिरों से हमें सूचना मिली थी कि बरिया रेंज के पास रविंद्र पाल अपनी दुकान पर अवैध शराब बेच रहा है, जहाँ सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसकी दुकान पर छापेमार कार्रवाई की। वहीं 62 लीटर शराब के साथ उसे गिरफ्तार भी किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब रेलवे स्टेशन कटनी के पास शराब दुकान से लाई गई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए देने वाले दीनदयाल जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। पवई से संवाददाता अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। पवई पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि तराई तराहे पर एक नरेंद्र पाल करके है, वो अवैध शराब बेचने का काम कर रहा है। जो सूचना पर तत्कालीन पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, जो आरोपी नरेंद्र पाल के कब्जे से करीब 61 लीटर शराब कीमती 38,000 रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की गई। आरोपी से गिरफ्तारी के दौरान उक्त शराब के स्रोत के संबंध में पूछा गया था, जिसने उक्त शराब कट्टी रेलवे स्टेशन के पास जो दुकान है वहां से लाना बताया था। जो पुलिस के द्वारा कट्टी जाकर दीनदयाल जायसवाल जो कट्टी में सेल्समैन का काम करता है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।